एवरीवन, वेलकम टू शुभम भागा दरीचा। मैं हूँ शुभम और आज हम उसमें बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन के बारे में, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ साइंस। ठीक है, इसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स पे पीएचडी पे करने के लिए, तो आप इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। कोई भी फी नहीं लगता है इसके लिए, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, उसको फिल आउट करके आपको भेजना पड़ेगा। अगर एमएससी कर रहे हैं आप 35% मार्क्स में, अगर एमफिल किए हैं तो 50% मार्क्स में हो जाएगा। अगर आप कुछ भी यूजीसी सीएस कुछ भी अगर क्वालिफाई किए हैं, जेआरएफ नेट सेट कुछ भी, तो आपको इस एग्ज़ाम को देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में मतलब भेज दिया जाएगा। आप इंटरव्यू दीजिएगा, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इसके रिलेटेड और एक चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, सॉप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 1000 वर्ड्स में, जो भी आप रिसर्च करना चाहते हैं इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो यहाँ पर से कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, आप एप्लीकेशन कर सकते हैं 28 तारीख तक, और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट होगा 29 तारीख को, और रिटर्न एग्ज़ाम होगा 1 तारीख को। ठीक है, क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स 6 इच, और एक नेगेटिव मार्किंग है। 12 बजे से होगा 1 बजे तक। और उसके बाद का जो प्रोसेस है डिक्लेरेशन रिजल्ट रिटर्न का होगा 3 तारीख को, और इंटरव्यू होगा 2 बजे से। यही था इसका सिंपल सा प्रोसेस, और इसको करके आप इसको भेज सकते हैं। मैंने सब कुछ बता दिया आपको, इसको आप ज़्यादा चाहें तो इसको पढ़ सकते थे। और इस फॉर्मेट को यहाँ से नाम डेट ऑफ बर्थ सिंपल सा है, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मेट है, इसको आप भेज के भेज सकते हैं। सिग्नेचर इसको लगा दीजिएगा डिजिटल सिग्नेचर करके, या कॉपी में उठा के उसको फोटो चिपका दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।